यादव अब क्षत्रिय हो गया है, वो शूद्र कहाँ रह गया है? सिर्फ देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, अब तो सिंहों हो गए, यादवों हो गए, प्रमाणों भी है, दोनों अगर प्रमाण बात है कर रहे ना। हैं शूद्र की, तो एक शूद्र के साथ कार्रवाई करते हो, एक शूद्र को गले में माला पहनाते हो, वही बयान लौटन राम निषाद ने दिया तो आपने पार्टी से निकाल दिया, तब आपको अपमान समझ में आ रहा था, वही बयान जब एक दूसरा नेता देता है तो आप उसको गले में माला पहना करके उसको आरती करते हो, वही सलूक उसके साथ करो तब तो माना जाए। SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज गोरखपुर दौरे पे हैं। सर, गोरखपुर दौरे किस कार्यक्रम के अंतर्गत आज गोरखपुर का दौरा? कल कार्यक्रम है महंत दिग्विजयनाथ पार्क में महिला हक अधिकार महारैली, आदि आबादी महिलाओं की है। जब हम लोग गांव में गए तो महिलाओं की तरफ से बात आई कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, हमको एक प्लेटफार्म मिले, हमारी सुरक्षा हो। हमने कहा कि हमारी पार्टी है, हमारा झंडा होगा, मंच हमारा होगा, भाषण आपका होगा, श्रोता आप होंगे, वक्ता भी आप ही रहेंगे, आइए। तो लोग तैयार हुए, उसमें आजमगढ़ मंडल में मऊ में कार्यक्रम हुआ, फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर कार्यक्रम हुआ, बस्ती मंडल में बस्ती हुआ, गोरखपुर मंडल में कल 5 फरवरी को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कल महिला हक अधिकार महारैली का कार्यक्रम है, उसी के उद्देश्य से हम इधर आए। देखा जाए तो रामचरित मानस की चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, फिजूल का बयान है, देश संविधान से चल रहा है, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दी है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चारों वर्ग बना है, और ये बिना मतलब की बात ला करके रख रहे हैं। जब वो सत्ता में थे, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब न तो महिलाओं का अपमान उस चौपाई से हो रहा था, ना तो पिछड़े दलित का अपमान हो रहा था, तब सब ठीक था। सत्ता जाते देखा जब इन्होंने, तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। फिर उन्होंने वहां अगरबत्ती माला फूल चढ़ाया, 5 साल राम राम जपना, अति पिछड़ों का माल लूटना, यही करते रहे, लूटते रहे। फिर सत्ता देखे कि करवट लेगी तो फिर करवट बदल दिए, चले गए सपा में। सपा में गए जो दुर्गति हुई, चुनाव हार के लौट के आए। फिर उसके बाद 10 महीने से कोई नाम लेने वाला नहीं था, तो इन लोगों ने सोचा कैसे चर्चा में आए। तो ये सत्ता पाने के लिए बौखलाए हुए लोग हैं, सत्ता ऐसे थोड़े मिलती है। जनता के बीच में जाओ, जनता से बताओ, जनता को समझाओ, जनता को जागृत करो, जब ना वोट मिलेगा। कि यहाँ आकर के इस तरह के फिजूल बयान देने से नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायकों के बयान मैंने देखा, खुलेआम बगावत पे हैं, उसको कैसे रोकेंगे ये? अखिलेश यादव, इसके पहले एक निषाद समाज के नेता ने जब बयान दिया था तो कार्रवाई कर दिए थे, इनके ऊपर इनको प्रमोट करके महासचिव बना दिए, आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, यही भेदभाव है, यही बात है कि अगर वो बात कर रहे हैं शूद्र की, तो एक शूद्र के साथ कार्रवाई करते हो, एक शूद्र को गले में माला पहनाते हो, वही बयान लौटन राम निषाद ने दिया तो आपने पार्टी से निकाल दिया, तब आपको अपमान समझ में आ रहा था, वही बयान जब एक दूसरा नेता देता है तो आप उसको गले में माला पहना करके उसको आरती करते हो, वही सलूक उसके साथ करो तब तो माना जाए। ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव का कहना है कि हमने मौर्य जी को आगे कर दिया है कि जातिगत जनगणना के लिए आगे बढ़े। सरकार थी तो क्या कर रहे थे? 5 साल वो खुद मुख्यमंत्री थे, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये याद नहीं आया जातिवाद जनगणना? आज क्यों याद आ रही है? जब ओम प्रकाश राजभर कसता है ना, तब सबको सब चिल्लाते हैं। हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं जातिवाद जनगणना, मौर्य जी आगे किए हैं, मंत्री थे तो क्यों नहीं आगे बोले? सरकार में रहते तो क्यों नहीं कार्रवाई किए? वो खुद मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं करा दिया? आज तो नीतीश जी ने तो शुरू करा दिया है, आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्यों नहीं करा दिया? सत्ता से बाहर होते हैं तब आपको जातिवाद जनगणना याद आती है, तब महंगाई याद आती है, बेरोजगारी याद आती है, शिक्षा याद आती है, सत्ता में रहते हो तो कुछ नहीं याद आती है। अच्छा, इस तरह से अचानक पिछड़ों के प्रति इन लोगों का प्रेम जग जाहिर हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? ये सत्ता हाथ से निकल जाने का कारण है कि पिछड़ों का प्रेम जगा है। सत्ता पा जाएंगे तो फिर पिछड़ों के साथ दुर्गति ये लिखी है। ये तो अपने आप को शूद्र बताते हैं, वो है नहीं आज के तारीख में, वो कहां शूद्र है? वो अपने को शूद्र मानेंगे? आज के तारीख में
आप गांव में जाएंगे तो गांव में इस बात की चर्चा है कि यादव अब क्षत्रिय हो गया है। वो शूद्र कहां रह गया है? सिर्फ देख लीजिए, मुलायम सिंह ही यादव। राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो। अब क्या लिख रहे हैं? अखिलेश सिंह यादव। अब तो सिंहों हो गए, यादवों हो गए, परमाणु भी है, दोनों प्रमाण है ना। बीच में देखा जाता है आपके पार्टी के कई नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लगातार वीडियो भी वायरल हुए। 17 बार कांग्रेस टूटी थी, खत्म हो गई? नहीं खत्म। हजारों बार बहुजन समाज पार्टी टूटी, खत्म हो गई अपने जगह? सैकड़ों बार समाजवादी पार्टी टूटी, क्या खत्म हो गई? लेकिन वो काम अपने नवरत्नों को सौंपे थे। वो उनके नवरत्न, जिनकी औकात नहीं है कि 100 ठे अपने बिरादरी के जुटा लें, 100 लोगों के मीटिंग कराने की कुवत नहीं है, वो दूसरे के का करी है, वो दूसरे के कृपा से जीत खात हुआ सा। जो अपना बूथ नहीं जीतवा सकते उनका औकात है। अपने नवरत्नों से घिरे रहते हैं अखिलेश जी, वो एकदम। तो हम पहले ही से कहते हैं कि उनके नवरत्न उनको ले लेंगे, वो उनको अब ले जा रहे हैं रसातल की तरफ, चलो अब हमारा काम खत्म। ये ओम प्रकाश राजभर जी थे।